हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। इस वक्त 4 बज रहे हैं और पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई, लेकिन अब इस पर बिहार में भी सियासत हो रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि हाथरस पर हल्ला मचाने वाले होशियारपुर पर आखिर चुप क्यों हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है कि बिहार की इस मासूम बिटिया को पंजाब में आखिर कब इंसाफ मिलेगा और कब तक रेप पर राज्य देखकर सियासत होती रहेगी। एक और बेटी दरिंदगी का शिकार हुई, फिर उसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को जला दिया गया। मामला दलित परिवार से जुड़ा है और पीड़ित परिवार बिहार से ताल्लुक रखता है, तो राजनीति तो होनी ही है। चुनावी मौसम में बीजेपी की तरफ से कमान संभालने केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतरी। हाथरस केस में बैकफुट पर रहने वाली बीजेपी फ्रंट फुट पर दिखी। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे, मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हाथरस मामले में जमकर भड़ास निकालने वाली कांग्रेस आलाकमान होशियारपुर में बैकफुट पर है, तो जवाब देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार के मुखिया अमरिंदर सिंह ने संभाली है। कैप्टन साहब बोल रहे हैं कि पुलिसिया जांच चल रही है, लेकिन मामला हाथरस जैसा गंभीर नहीं है। कुछ ऐसी ही बातें राहुल गांधी ने भी कही। यूपी के विपरीत पंजाब और राजस्थान की सरकारों ने ये इनकार नहीं किया कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसके परिवार को धमकाया नहीं और न ही न्याय के रास्ते में रुकावट पैदा की। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैं वहाँ भी न्याय के लिए लड़ने जाऊंगा। खैर, पंजाब सरकार ने पीड़ित परिवार को मदद देने का ऐलान किया है। पंजाब सरकार पीड़ित परिवार को जमीन देगी, जबकि उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा परिवार की 5 बेटियों के नाम 50,000 की FD करवाएंगे। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ इंसाफ भी चाहिए, वो इंसाफ जिसकी सजा फांसी से कम परिवार को कतई मंजूर नहीं। दुनिया में तो अब रही नहीं, इंसाफ करा दो न। घटना के सारा देखता है सामने है तेरे, सबको कितना एक एक बात दसी जाएंगे, बाकी इंसाफ दिला दो मेरे को। फांसी का सजा दे दो कि गरिंदा घर नहीं आएगा, आपस नहीं लौट के आएगा वो यहाँ। अब तक पुलिस ने बलात्कार और हत्या के आरोपी गुरप्रीत सिंह और उसके दादा सुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रेप पर राज देखकर सियासत क्यों होती रही है और क्यों हो रही है। रेप की घटना किसी भी राज्य में हो, सब जगह ये घटना शर्मनाक है, निंदनीय है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासत राज देखकर क्यों हो रही है? और उस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। KK शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का। सुरेंद्र राजपूत जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं, राज देखकर सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? आपके वो नेता जो यूपी जाने के लिए गाड़ी से उतरकर पैदल चलना शुरू कर देते हैं, वो राजस्थान नहीं जाते, वो पंजाब नहीं जाते, अपनी सरकार की बात आती है तो खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं कि हमारे यहां तो जी सब ठीक हो रहा है, क्यों? आदर्श भाई, ये हृदय विदारक घटना पंजाब में घटे, राजस्थान में घटे, उत्तर प्रदेश में घटे, मध्य प्रदेश में घटे, दिल्ली में या कहीं पर भी घटे, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और इसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके उतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी सरकार इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, जो भी सरकार इस घटना को डिनाई करने का प्रयास करती है, उस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये ऐसा कौन सा पैमाना आप लोगों के पास है कि यूपी में ये सब कुछ नहीं हो रहा था, राजस्थान में हो गया, पंजाब में हो रहा है?
बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे जवाब देने का थोड़ा सा समय दीजिए बस। बिल्कुल दीजिए, कोई भी प्रश्न होगा तो मैं आपका पूरा एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा, आपकी संतुष्टि के पैमाने तक जवाब देने का प्रयास करूंगा। पंजाब में ये घटना हुई, 36 घंटे के अंतर्गत अपराधी को पकड़ लिया गया। डीएम और एसपी किसी ने भी उस घटना को डिनाई नहीं किया। आज की डेट में सारे के सारे दोषी जो हैं वो जेल के अंदर हैं, वो कानून के सम्मुख प्रस्तुत हैं। डीएम हो, एसपी हो और हमारा चाहे डेलीगेशन हो पंजाब सरकार का, और वो सारा का सारा घटना स्थल पर लेकर के उन्होंने सारी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दी और केंद्रीय नेतृत्व तो पंजाब सरकार के अपराध के बाद किए गए काम से संतुष्ट है, इसलिए वहां नहीं गया मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर आप अन्य कहीं पर ये बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में घटना हुई, घटना को पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार ने कहा ये घटना फेक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा ये घटना फेक है, उसके बाद पीड़ित परिवार को लगातार प्रसारित किया गया और उसके बाद पीड़ित परिवार का कहा गया कि हम पीड़ित परिवार का ही नार्कोटिक्स करेंगे, उसके बाद पीड़ित परिवार की बेटी की लाश को रात को 2:30 बजे जला दिया गया और एडीजीएलओ ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। आप बताइए इन दोनों घटनाओं को सामंजस्य मत बैठाइए। मैं आपको जवाब ले लेता हूँ। सामंजस्य क्यों बैठाया जा रहा है उसका जवाब ले लीजिए। के शर्मा साहब आप भी आइए जरा चर्चा में, और जो सवाल आप लोग खड़े करने, सुरेंद्र शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास, जवाब तो ले लीजिए। के शर्मा साहब नहीं, आदर्श जी देखिए, एक जघन्य अपराध बलात्कार एक बहुत जघन्य अपराध है, और बलात्कार कहीं भी, बलात्कार जो है बलात्कार है उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये छोटी घटना है, ये बड़ी घटना है, ये गंभीर घटना है, ये कम गंभीर घटना है, ऐसी तुलना तो कांग्रेस कर रही है। आपने बयान देखा इनके, अभी अभी आपने कैप्टन साहब का बयान बताया, आपने इसके पहले छत्तीसगढ़ में जो बलरामपुर की घटना हुई थी उसमें इनके जो राज्य के मंत्री हैं उनकी बात आपने चलाई है, उसमें वो गिन कह रहे थे कि यहाँ तो छोटा बलात्कार हुआ, वहाँ बड़ा बलात्कार हुआ। इनके अशोक गहलोत जी कहते हैं कि लड़कियां जो है अपने मन से, वो तो सहमति के साथ में गई थी और सहमति के साथ में चली गई वहां पर, और इसके बाद लौट के वो आई। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं ना कि आप लोगों के यहाँ कार्रवाई नहीं हुई इसलिए मजबूरी में कांग्रेस के नेताओं को उतरना पड़ा, लेकिन कांग्रेस के राज्य में सब कुछ ठीक है। किसने कौन कह रहा है आप एक चीज बताइए आदर्श जी, जिस दिन राहुल गांधी वहां का पॉलिटिकल टूर करने जा रहे थे उस दिन वहां पर एसआईटी की टीम थी या नहीं, वहां पर जांच चल रही थी या नहीं, उसके पहले अधिकारियों के प्रथम एसआईटी के पहले ही रिपोर्ट में जिन अधिकारी भी यदि उसमें दोषी थे तो उनको भी सस्पेंड किया गया या नहीं किया गया, क्या पहले दिन जिस लड़के का नाम उन्होंने रिपोर्ट में लिखवाया उसको अरेस्ट नहीं किया गया, और क्या वो चारों आरोपी जेल के अंदर नहीं है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं, ये जो हम इनको जो प्रश्न उठा रहे हैं और जो इनको याद दिला रहे हैं इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आदर्श जी आप उस दिन की बात याद कीजिए जब जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उस परिवार से मिलने गए और मिल के जब वो बाहर निकल रहे थे तो मैं चाहूंगा कि यदि आपके पास वो बयान हो तो एक बार रिकॉर्ड से निकलवा के चलवाइए। प्रियंका जी ने क्या कहा वहां पर, यही कहा ना कि देश में कहीं भी किसी लड़की के साथ अन्याय होगा हम जाएंगे, तो आज आप क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, एबीपी न्यूज अपना काम तब भी कर रहा था शर्मा साहब, आपको सवाल उठाने की जरूरत नहीं, हम तब भी पूछ रहे थे कि राजस्थान क्यों नहीं गए, हम तब भी ये पूछ रहे थे राजस्थान छत्तीसगढ़ का जिक्र तब भी कर रहे थे। मैं आपको एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर देता हूं। देखिए ये राहुल गांधी चाहकर भी पंजाब नहीं जा सकते, आदर्श जी मैं आज आपको एक नई बात बताता हूं, इसलिए नहीं जा सकते ये क्योंकि ये जैसे ही पंजाब के बॉर्डर पहुंचेंगे ना कैप्टन अमरिंदर सिंह इनको उल्टे पांव वापस लौटा देंगे, इसलिए लौटा देंगे। इसका एक सशक्त उदाहरण बताता हूं मैं आपको, इमरती देवी जी के ऊपर जिस दिन राहुल गांधी जी ने कमलनाथ जी के बयान का खंडन करते हुए कहा, क्या जवाब दिया कमलनाथ जी ने उनको कि ये राहुल गांधी की अपनी निजी राय होगी, तो आज राहुल गांधी की क्षमता ये भी नहीं बची है कि वो अपने नेताओं को एक जो है सलाह भी दे सके। जवाब ले लेते हैं के शर्मा साहब, है इनका बड़ा सवाल उठा रहे हैं, जवाब ले लेते हैं सरपंच बिल्कुल मैं आपको, और यदि नहीं है ये बात और कमलनाथ का ये बयान नहीं है तो मुझे सुरेंद्र राजपूत बोल रहा हूँ, तो सुरेंद्र राजपूत जी तो उनकी यही वजह राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं जो बता रहे हैं के शर्मा साहब, या राहुल गांधी खुलकर सामने नहीं आते हैं, या प्रियंका गांधी खुलकर नहीं बोलती हैं, या राजस्थान में कुछ हो जाता है, पंजाब में कुछ हो जाता है, छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाता है, तो
देखिए के शर्मा जी हमारे प्रतिपक्षी दल के हैं, के शर्मा जी को ऐसा ही बोलना भी चाहिए, लेकिन के शर्मा जी असल बात जब बोलते हैं तो अपनी घटनाओं को याद नहीं रखते हैं। हमने दो तीन बातें, आपने मेरी बात वो कर दी थी, आधी काट दी थी, तो मैं आपको बता देता हूं कि अंतर का है। देखिए हमने जहां पर पंजाब में घटना हुई सारे अपराधी पकड़े गए हैं, राजस्थान में घटना हुई सारे अपराधी पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश में घटना हुई तो आरोपितों के पक्ष में खाप पंचायत वहां 144 नहीं लगी। अभी जेल में है या के शर्मा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अगर राजस्थान आप चाहते हैं या बाहर है आदर्श, अगर ऐसे एक एक करके के शर्मा साहब एक एक करके एक बार उनको कह लेने दीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिए। बोलिए बोलिए सुरेंद्र, अगर ये बदतमीज तो मैं आपको बताता हूँ कि हाथरस में सुरेंद्र जी भाषा आप सही रखिएगा, के शर्मा और के शर्मा साहब आप जवाब ले लीजिएगा, हैसियत और उसमें बढ़ रही है बिल्कुल पूरी तरीके से। शर्मा साहब के शर्मा साहब और ये बदतमीजियां नहीं चलेगी। के शर्मा साहब पार्टी के पुराने हथकंडे हो गए, सुरेंद्र राजपूत जी अन्यश्री क्या नाम आप संबित पात्रा, के शर्मा साहब बनने की कोशिश, आप दोनों से गुजारिश है कि चर्चा जरूर करें और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, इसकी जो गंभीरता है उसको हम लोग समझे। और आज तो दशहरे का दिन है सर, आज तो देवी की पूजा होती है, आज के दिन भी अगर हम लोग सीधे तरीके से किसी मुद्दे पर बात नहीं कर पाए तो फायदा क्या है? आदर्श भाई फिर से समझिए, ये लोग विषयांतर करने में माहिर है। मैंने दो ही चीजें कही, मैंने कहा जब खाप पंचायत 144 लगने के बाद, पेंडेमिक एक्ट लगने के बाद आरोपितों के पक्ष में होगी तो निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे, प्रतिपक्षी दल जाएंगे। मैं तो के शर्मा जी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करता हूं, पंजाब में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, जहां पर भी हमारी सरकार है वहां पर अगर कोई अन्याय हुआ है और उस अन्याय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो नरेंद्र मोदी जी भी जाएं, अमित शाह साहब भी जाएं। अन्याय कैसे नहीं हुआ राजपूत साहब, अन्याय कैसे नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ में तो हमने मंत्री का बयान आपको सुनवा दिया, मंत्री आपके शिवदरिया जो थे वो कह रहे थे कि ये छोटी घटना है, ये बड़ी घटना नहीं। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, अब अपनी बात कहिए। आप बीच में मत कहिए, मैं बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा जवाब दूं। मैंने बिल्कुल कोई आपसे कहा, मैं आपसे जो मैं आदर्श झा जी, अगर कहीं वहां पर गलत घटना, हृदय विदारक घटना, स्तब्धकारी घटना तो हुई, किसी भी जगह हुई उसका विरोध है, लेकिन उसके बाद जो काम हुए हैं, जो कानून सम्मत काम हुए हैं, वो अगर उत्तर प्रदेश में हुए होते तो हाथरस में किसी भी राजनीतिक दल को जाने की आवश्यकता नहीं थी। पंजाब में घटना हुई, पंजाब में आरोपित पकड़ लिए गए, आरोपितों के पक्ष में कोई पंचायत नहीं लगी, वहां पर हमने कोई 144 नहीं लगाई, वहां पर हमने पेंडेमिक एक्ट नहीं लगाया, वहां पर हमने भाजपा के नेताओं को जाने से नहीं रोका, लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या नाम उत्तर प्रदेश में हाथरस में घटना हुई, हाथरस की घटना की बेटी के शव को रात में जला दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सूचना सलाहकार कहे फेक घटना है, एडीजीएलओ कह रहे हैं गैंगरेप नहीं हुआ है, और पीड़ित परिवार को नार्कोटेक्स कराने की धमकी दी जा रही है। और नहीं, लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं है राजपूत साहब, राजनीति इतनी सीधी नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूँ के शर्मा साहब, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। के शर्मा साहब, आरोप सारे आप पर लग रहे हैं, सारे आरोप आप लोगों की सरकार पर लग रहे हैं। एक चीज और, नहीं नहीं आदर्श जी, मैं आ रहा हूँ राजपूत जी, आ रहा हूँ आपके पास जी। आदर जी, आप हाथरस की घटना को अब इनको बंद करा, सुरेंद्र जी यही कर रहे होंगे। सुरेंद्र जी एक बार जवाब ले लीजिए, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। तब उसके उस समय अगर वो उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद की बच्ची जिसको कि तीन बदमाशों ने मार डाला, अगर उसके लिए भी, सुरेंद्र जी मैं आपके पास भी आ जाऊंगा। के शर्मा साहब समय कम है, जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए। के शर्मा साहब, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, देखिए आप आदर्श जी, आपको जानकारी होगी कि उसके बाद उसके जो हाथरस की घटना के जितने डिटेल सामने आए हैं, किस ढंग से वहां पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा था भीम आर्मी के द्वारा, उसमें कांग्रेस कहां वहां पर सम्मिलित, किस तरह से आपके पीएम अब ये बदतमीजी पे आ गए, अब आगे बदतमीजी, अभी ज्ञान चलिए, विडंबना यही है कि केवल राजनीति होती रहती है। एक तो पहले आप दोनों को रोक रहा हूँ, बीच में समय बहुत कम है सुरेंद्र जी, अब समय नहीं बचा है हमारे पास। सुरेंद्र जी समय नहीं बचा है, देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच केवल अपनी बातें, राज्य कोई हो वहां हमें क्या सूट करता है, हम आपसे बात करेंगे दूसरे राज्य के बारे में, हम उस पर सीधा आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन अपना जो यहां पर जो कुछ सूट कर रहा है वही राजनीति करते रहेंगे, यही दिक्कत है। और इसलिए इस तरह की घटनाओं पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है, हालांकि कोशिश हो जरूर रही है, लेकिन वो जमीन पर उतनी उतरती नहीं दिख रही है।